हेलो बच्चों, फर्स्ट लेक्चर में हमने लाइट में प्लेन मिरर के लिए इमेज के फॉर्मेशन को देख लिया था। करेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर हम देख चुके हैं, ठीक है। वो लेक्चर मैंने पोस्ट किया है ग्रुप में, आपको वो लेक्चर FMQ के चैनल पे मिल जाएगा। जिनको ज़रूरत है, जिनको नहीं मिल रहा है, वो मुझसे कहिएगा, मैं उन्हें सेंड कर दूँगा, ठीक है। तो फर्स्ट लेक्चर आपने प्लेन मिरर के लिए वहाँ से वॉच करना है। आज हम लाइट में शुरू करने जा रहे हैं स्फेरिकल मिरर, ठीक है। आपका जो क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, जो क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड एग्ज़ाम में, वो स्फेरिकल मिरर से ही पूछेगा। स्फेरिकल मिरर या लेंस से क्वेश्चन आते हैं। तो स्फेरिकल मिरर हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्फेरिकल मिरर में बच्चों हमारे पास स्फेरिकल मिरर, तो स्फेरिकल मिरर हमारे सबसे पहले हम देखें कॉनकेव और कन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव और कन्वर्जिंग मिरर कैसे बनता है? कॉनकेव मिरर कि हम एक ग्लास का स्फीयर लें, ग्लास के स्फीयर के एक पोर्शन को कट करें। ये ग्लास स्फीयर लिया मैंने, ये ग्लास स्फीयर लिया, ग्लास स्फीयर के एक पोर्शन को कट किया, और पोर्शन को कट करने के बाद इस बाहर वाली सरफेस को हमने क्या कर दिया? पॉलिश्ड। तो ये जो होगा वो क्या होगा? मेरा कनकेव मिरर होगा, ठीक है। तो जिस सरफेस से इसको कट किया है उस सरफेस का सेंटर, जिस स्फीयर से इसको कट किया है उस स्फीयर का सेंटर, और इस सरफेस के मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट ऑफ दिस सरफेस क्या कहलाता है? पोल ऑफ द मिरर। और जिस स्फीयर से इसको कट किया है मेरे बच्चों, उसका सेंटर जो है, उस स्फीयर का सेंटर जो है वो क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है ऑफ दिस मिरर, ये पोल ऑफ द मिरर है, क्लियर। एंड पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, क्लियर हो गया। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब मुझे क्या करना है? इसका फोकस निकालना है। तो फोकस निकालने का क्या तरीका है? मिरर का फोकस निकालना हो हमें या लेंसेज का फोकस निकालना हो, एक ही तरीके से निकलता है। वो तरीका क्या है? इसके सामने हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी मीन्स लार्ज डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट ले लो, उस ऑब्जेक्ट की इस प्रिंसिपल एक्सिस पे जहाँ जिस पॉइंट पे इमेज बनेगी वो पॉइंट जो होगा वो क्या होगा? फोकस होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट लार्ज डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट कैसे लें? सन ले लो आप, हैं, सन लाइट को इसके ऊपर गिराओ, ठीक है। जिस पॉइंट पर रेज फोकस हो रही होंगी जब ब्राइट स्पॉट मिल रहा होगा, सारी रेज इससे टकरा के फोकस हो रही होंगी, तो वो पॉइंट जो होगा, वो जो फोकस पॉइंट होगा रेज वाला, वो क्या होगा? सन की इमेज बनाओ प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो सन की इमेज इस एक्सिस के जिस पॉइंट पे सन की इमेज फॉर्म हो रही होगी, रेज इस मिरर से टकराने के बाद जिस पॉइंट पे मीट कर रही होंगी, वो पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा? फोकस कहलाएगा, ठीक है। इजी वे है फोकस को फाइंड करने का। एक आप पेपर लें, ठीक है, पेपर मिरर लें, ठीक है, मिरर पे सन मिरर की फेसिंग सन के सामने लें, और उसके ऊपर रेस को सनलाइट गिरने के बाद पेपर पे जिस पॉइंट पे ब्राइट स्पॉट आपको मिल रहा होगा, इसका मतलब वो ब्राइट स्पॉट क्या? सन की इमेज है, ठीक है। तो वो पॉइंट क्या होगा हमारा? फोकस होगा। तो इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे ये कैसे पता लगता है? अगर रेज ऐसे दिखाई जाती हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर रेज आती भी आपको दिखाई दे रही हैं, इसका मतलब दिस ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ये रेज कहाँ से आ रही हैं? इन्फिनिटी से आ रही हैं। पैरेलल रेज कहाँ से आती हैं? इन्फिनिटी से आती हैं, ठीक है। पैरेलल रे कहाँ से आती हैं? इन्फिनिटी से आती हैं, क्लियर। तो प्रिंसिपल एक्सिस पर जिस पॉइंट पे ये रेज मीट करेंगी, इस पॉइंट पे इमेज बनी। ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटी पे। इमेज कहाँ बनी? ये। तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा? मेरा फोकस, ठीक है। तो बच्चों, तो पोल और फोकस तक की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है? फोकल लेंथ कहलाती है। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है,
ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये फोकल लेंथ है, क्लियर। दूसरा हम देखें यहां कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। तो कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर देखने के लिए आपको क्या करना होगा, अगेन ग्लास स्फीयर लेंगे, एक पोर्शन को कट करेंगे और पोर्शन को कट करने के बाद जो अंदर वाली सरफेस है उसको क्या कर देंगे, पॉलिश्ड, ठीक है, अंदर वाली सरफेस को पॉलिश कर देंगे। जब अंदर वाली सरफेस को पॉलिश करेंगे तो इसका मिड पॉइंट, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा इसका, बिहाइंड द मिरर। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस कहाँ है, फ्रंट ऑफ द मिरर है। कैसा फोकस है ये, कैसी इमेज बनी है, रियल इमेज बनी है। ये जो इमेज बनी है इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट है उसकी फोकस पे इमेज जो है कैसी बनी है, रियल। तो कॉनकेव मिरर का फोकस कैसा होता है, रियल फोकस होता है, ये रियल फोकस है कॉनकेव मिरर का, ठीक है। यहाँ पर आपने इस स्फीयर से कट किया है, इस स्फीयर का सेंटर और इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है वो क्या कहलाती है, इसका सेंटर और मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये क्या है, पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होता है, बिहाइंड द मिरर। कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होता है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है। तो यहाँ पे फोकस निकालें, अगेन इसके सामने इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट लेंगे, तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट मीन्स ये इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट, पैरेलल रेज आएंगी, पैरेलल रेज कहाँ से आती हैं, फ्रॉम इन्फिनिटी, ठीक है। ये रेज, ये रे कहाँ आ रही है, अलॉन्ग नॉर्मल, क्योंकि स्फेरिकल सरफेस है और स्फीयर की सरफेस पे खींचा गया नॉर्मल। अगर आपके पास ये स्फेरिकल सरफेस है बच्चों, इसके किसी भी पॉइंट पर नॉर्मल खींचोगे तो वो कहाँ से पास करेगा, नॉर्मल मीन 90 डिग्री पे अगर लाइन खींचोगे तो वो कहाँ से पास करेगी, स्फीयर के सेंटर से, ठीक है। तो ये पॉइंट, ये लाइन यहाँ पर कितना एंगल बना रही है सरफेस के इस पॉइंट पे, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, क्लियर। तो ये जो एक्सिस है कहाँ से पास कर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, स्फीयर के सेंटर से, इस स्फीयर के सेंटर से पास कर रही है, तो ये नॉर्मल है। और नॉर्मल के अलॉन्ग जब रे इंसिडेंट होगी, नॉर्मल के अलॉन्ग जब रे इंसिडेंट होगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, 0 डिग्री, आपने देखा था, ठीक है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 0 डिग्री। जब नॉर्मल के अलॉन्ग रे को इंसिडेंट कराते हैं तो वापस उसी पाथ पर रिटर्न बैक हो जाती है, तो अलॉन्ग द एक्सिस जो भी रे आएगी वो वापस रिटर्न बैक हो जाएगी उसी पाथ पर, ठीक है। यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री है, क्लियर। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे नॉर्मल खींचोगे तो नॉर्मल इस पॉइंट पे खींचोगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, यहाँ पे नॉर्मल खींचोगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, ये नॉर्मल है। इस पॉइंट पे खींचा गया नॉर्मल ये, इस पॉइंट पे नॉर्मल खींचोगे तो यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, तो इस पॉइंट पे खींचा गया नॉर्मल ये है, ठीक है। तो कितने एंगल पे रे इंसिडेंट हुई नॉर्मल से, इतने एंगल पे, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाओगे, जिस एंगल पे रे इंसिडेंट होगी उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक होगी, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। तो रे उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक होगी, उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक होगी, रिफ्लेक्ट बैक हो गई, ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे, ठीक है। तो ये ऐसे ही रे जो होगी उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक होगी, ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। नॉर्मल से इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे, दोनों कैसा एंगल बनाएंगी, सेम एंगल बनाएंगी। अब ये रेज जो है, ये रेज कहीं मीट नहीं कर रही है, ये क्या कर रहा है रेज को, ये रेज को क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, इस बीम को इसने डाइवर्ज कर दिया, फैला दिया, और इस बीम को इसने, इस इंटायर बीम को इसने क्या करा, कन्वर्ज कर दिया एक जगह लाके। तो कॉनकेव मिरर कैसा है मेरा, कन्वर्जिंग, एक पॉइंट पे सारी रेस को कंसंट्रेट कर दिया, सारी रेस को एक पॉइंट पर लाके मिला दिया, तो ये कैसा है मेरा, कन्वर्जिंग, और ये क्या कर रहा है, बीम को और फैला दे रहा है, डाइवर्ज कर दे रहा है। तो कॉन्वेक्स ये डाइवर्जिंग मिरर भी है, कॉन्वेक्स मिरर जो है वो क्या होता है, डाइवर्जिंग मिरर होता है। कहाँ यूज होता है, गाड़ी का जो रियर व्यू मिरर है, जो विंडो पे लगा होता है, गाड़ी के दोनों आगे दरवाजों पे लगा होता है, कार के रियर व्यू मिरर, वो कौन सा मिरर होता है हमारा, कॉन्वेक्स। शेविंग मिरर हमारा कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव, ठीक है। डेंटिस्ट के पास ये मिरर होता है, जो कैविटी चेक करते हैं उनके पास कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव, ठीक है। तो अब ये कहीं मीट नहीं करेंगे तो इनको डॉट 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 करके पीछे बढ़ाओगे तो ये रेज इस पॉइंट से आती हुई अपीयर होंगी, अपीयर टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट। यहाँ कुछ नहीं है, ये मिरर के पीछे है, यहाँ मिरर के पीछे कुछ नहीं है, अपीयर्स टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ, ये क्या बनेगा इसका फोकस, कैसा फोकस होगा, वर्चुअल फोकस होगा। कैसी इमेज है ये, इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट है उसकी कैसी इमेज है, ये वर्चुअल इमेज है। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट की जो इमेज है अंदर प्रिंसिपल एक्सिस, वो उसका फोकस है।
लेंस का फोकस निकालना हो वो भी ऐसे ही निकलेगा। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस पे उस ऑब्जेक्ट की जिस पॉइंट पे इमेज बनेगी वो पॉइंट जो होगा वो आपका फोकस ऑफ द लेंस होगा। लेंस का, मिरर का, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर का, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज एंड मिरर का, किसी का भी फोकस निकालना हो उसका तरीका यह है कि आप इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट ले लें, उस इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही होगी वो क्या होगी, फोकस होगा। ठीक है, तो फोकस यहाँ कैसी इमेज बनी है, ये कैसी इमेज बनी है, वर्चुअल इमेज बनी है बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल फोकस है। किसे कहते हैं वर्चुअल इमेज, वो इमेज जिसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, वो इमेज हमारी क्या कहलाती है, वर्चुअल इमेज कहलाती है। और रियल इमेज कौन सी इमेज होती है, विच कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। फर्स्ट लेक्चर में मैंने ये सारी बातें एक्सप्लेन की हुई हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ कैसे पता लगेगा कि हमारी रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है, इमेज जब भी मिरर के लिए बनेगी इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने, तो इमेज ऑलवेज रियल होगी, और जब भी इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर तो इमेज जो होगी वो क्या होगी, हमारी वर्चुअल होगी। ठीक है, क्योंकि मिरर के केस में क्या होता है, रेज टकरा के लौट के चली आती है वापस फ्रंट पे, फ्रंट पे ऑब्जेक्ट रखा है तो ऑब्जेक्ट से रे गई, मिरर से टकराई, वापस लौट के आ गई, और रे ही इमेज बनाती। अगर रे फ्रंट ऑफ द मिरर लौट के आई है तो स्क्रीन पे इमेज अगर ऑब्टेन करोगे आप तो स्क्रीन पे इमेज कौन बनाएंगे, रेज बनाएंगे, रिफ्लेक्टेड रेज इमेज बनाएंगे। तो रिफ्लेक्टेड रेज प्रेजेंट होती है इन फ्रंट ऑफ द मिरर, बिहाइंड द मिरर कोई रेज नहीं होती। ठीक है, तो इमेज जो फॉर्म होगी स्क्रीन पे वो कहाँ होगी, इन फ्रंट ऑफ द मिरर फॉर्म होगी। तो रियल इमेज ऑलवेज जब भी बनेगी फ्रंट ऑफ द मिरर तो वो क्या होगी, इमेज रियल होगी, और बिहाइंड द मिरर जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी, वर्चुअल होगी। जैसे आपके घर में जो शीशा है उसमें आप की जो इमेज है वो कहाँ बन रही होती है, बिहाइंड द मिरर बन रही होती है। ठीक है, जितने डिस्टेंस पे आप खड़े हैं उतने डिस्टेंस पे बिहाइंड द मिरर इमेज बनती है, तो वो इमेज जो है वो कैसी है, वर्चुअल है। ठीक है बच्चों, तो ये कैसा फोकस है, वर्चुअल फोकस है। पोल से फोकस तक की डिस्टेंस जो है वो क्या कहलाती है, फोकल लेंथ कहलाती है, और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं उसको। क्लियर, क्लियर है ना, आगे देखें आप, आगे बढ़ते साइन कन्वेंशन। हम यहां पे क्या देखेंगे, ऑब्जेक्ट और इमेज का फॉर्मेशन देख रहे होंगे। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट की पोजीशन दी होगी इन फ्रंट ऑफ द मिरर कहीं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ठीक है, कहेगा कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। तो इमेज पोजीशन फाइंड करनी होगी, या इमेज पोजीशन गिवन होगी, ऑब्जेक्ट पोजीशन फाइंड करनी होगी, या ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन होगी हमें, इमेज की हाइट फाइंड करनी होगी, और ये फाइंड करना होगा कि इमेज रियल है या वर्चुअल है। तो उन सब के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ क्या, साइन कन्वेंशन। पहले हम बच्चों साइन कन्वेंशन देखेंगे, फिर मिरर फार्मूला देखेंगे, मैग्नीफिकेशन देखेंगे, उसके बाद इमेज का फॉर्मेशन देखेंगे फ्रॉम मिरर, फिर इसके एप्लीकेशन देखेंगे, ये हमारा मिरर क्लोज हो जाएगा। इमेज का फॉर्मेशन मैं बाद में देखूंगा। तो सबसे पहले देखें साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में ध्यान दें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को जो लिया जाता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए जो हम अल्फाबेट यूज करते हैं वो यूज करते हैं यू। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए क्या यूज करते हैं, यू। इमेज डिस्टेंस के लिए, इमेज डिस्टेंस के लिए हम यूज करते हैं वी। ठीक है, फोकल लेंथ के लिए हम यूज करेंगे, यहां फोकल लेंथ के लिए हम लेंगे स्मॉल एफ। रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए जो हम नोटेशन यूज करेंगे, मिरर के रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए हम यूज करेंगे आर। ठीक है, एक और टर्म हम आगे पढ़ेंगे, मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है आगे देखेंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे स्मॉल एम। ठीक है, एक हम देखेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की हाइट के लिए, ऑब्जेक्ट की हाइट के लिए या तो H1 यूज कर लेते हैं, H1 या HO, O स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट। ठीक है, H1 या HO। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और एक और हाइट ऑफ इमेज। इमेज हाइट के लिए हम यहाँ पे जो नोटेशन यूज कर रहे होंगे वो यूज कर रहे होंगे
H2 या HI, दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं आप, H2 या HI। सब जगह यही नोटेशन है, मिरर के लिए भी यही नोटेशन है, लेंसेज के लिए भी यही नोटेशन है, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन पे जाने के लिए साइन कन्वेंशन क्या कहता है, सबसे पहला जो है साइन कन्वेंशन का सबसे पहला नियम क्या है, सबसे पहला नियम है ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। ऑल डिस्टेंसेज मैं लिख दूं क्योंकि बोर्ड में पूछ लेता है, आप ध्यान दें बच्चों कि आप प्रॉपर एक नोटबुक बनाएं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी सारे सब्जेक्ट की आपके पास नोटबुक होनी चाहिए। जब आप लेक्चर वॉच कर रहे हैं तो बिल्कुल ऐसे वॉच करें जैसे आप क्लासरूम में बैठे हैं, जैसे आप कोचिंग आ रहे हैं, कोचिंग में जैसे आप प्रॉपर नोट्स मेंटेन कर रहे होते हैं उसी तरीके से नोट्स को मेंटेन करते हुए चलें। 45 मिनट का वीडियो, एक घंटे के वीडियो को वॉच करने में भले ही आपको 2 घंटे लग जाएं, वीडियो को पॉज करें, एक-एक चीज़, एक-एक छोटी-छोटी बातें लिखें, ठीक है। टीचर ने अगर क्लास में खास भी दिया तो उसकी खांसी भी लिख लें अगर आप सीखना चाहते हैं सब्जेक्ट को, कंसेप्ट को लेना चाहते हैं, ठीक है। इसका मतलब समझे क्या है, इसका मतलब यह है कि कोई भी बात बोर्ड पे लिखी हुई कोई भी बात आपकी नोटबुक में आने से ना रह जाए, ऐसा ना हो कि वो नोटबुक में ना आए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक एक चीज़, एक एक पॉइंट बोर्ड पे लिखा हुआ, एक एक पॉइंट आपकी नोटबुक में होना चाहिए, ठीक है। जो बात नहीं समझ में आएगी वो हमसे पूछें, व्हाट्सएप ग्रुप में आप सब ऐड हैं, ठीक है। ऐप के थ्रू हम आपसे लाइव सेशन लेंगे, उस लाइव सेशन में डाउट प्रॉब्लम डिस्कशन और जो भी प्रॉब्लम है वो हमसे पूछते रहें। क्लियर बच्चों, पहला सबसे पहला क्या है, ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ मिरर। तो बच्चों साइन कन्वेंशन को देख ले एक बार ध्यान से पूरा, याद रहे इस चैप्टर में आपके पास गिनती के 4-5 फार्मूले हैं, उन्हीं फार्मूले पे हमने सारे न्यूमेरिकल करने हैं, गिनती के फार्मूले हैं, उन फार्मूले पे न्यूमेरिकल इजी हो या टफ, कोई सा भी न्यूमेरिकल आपसे तभी सॉल्व होगा जब आपको साइन कन्वेंशन अच्छे से आता होगा। अगर आपने साइन कन्वेंशन को ध्यान से नहीं देखा, साइन कन्वेंशन में ज़रा सी भी गलती कर दी तो न्यूमेरिकल गलत होना ही है, ठीक है। यहाँ पे जो न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं वो इस साइन कन्वेंशन से सॉल्व होते हैं, इस साइन कन्वेंशन को सबसे ज़रूरी, इस साइन कन्वेंशन पे ध्यान रखना है, एक एक चीज़ का, एक एक छोटी छोटी चीज़ का साइन कन्वेंशन के को याद रखेंगे, छोटी छोटी चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। जब आपको साइन कन्वेंशन आता होगा तो आप मिरर फार्मूला लगा पाएंगे, आप लेंस इक्वेशन लगा पाएंगे, आप मैग्नीफिकेशन के फार्मूले को लगाकर क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो साइन कन्वेंशन में फिर आ जाएं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यू से मेज़र करते हैं, इमेज डिस्टेंस को वी से मेज़र करते हैं, फोकल लेंथ को एफ से, रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से, मैग्नीफिकेशन को एम से, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट H1 या HO, हाइट ऑफ इमेज H2 या HI। तो सबसे पहला क्या है कि ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ मिरर, मिरर के पोल से चलेंगे, इस पॉइंट की डिस्टेंस मेजर करनी है, मिरर के पोल से यहाँ चलेंगे, इस पॉइंट से यहाँ नहीं चलेंगे, इस पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करनी है तो मिरर के पोल से स्टार्ट करके इस पॉइंट तक पहुंचेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा हमेशा क्या होगा, पोल होगा। दूसरा क्या कहता है, डिस्टेंसेज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इंसिडेंट रे कौन है, ये इंसिडेंट रे है, ये जो इंसिडेंट रे आई है ऐसे आएगी इंसिडेंट रे, मिरर के सामने से ऐसे आएगी इंसिडेंट रे। तो डिस्टेंसेज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। मींस अगर मेरे पास ये मिरर है, अगर ये मेरे पास मिरर है बच्चों, तो इंसिडेंट रे ये होगी, ये इंसिडेंट रे आई, ये पोल है, ये आई इंसिडेंट रे, ये पोल है, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ जाओगे, बिहाइंड द मिरर। तो बिहाइंड द मिरर जो भी डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। याद रहे मिरर के बिहाइंड जब भी हम चलेंगे तो हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में चल रहे होंगे, जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे चल रही है जब उस डायरेक्शन में हम मूव करेंगे पोल से तो एंड अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस तो वो डिस्टेंस क्या ली जाएगी, पॉजिटिव, ठीक है। एंड द डिस्टेंसेज मेजर्ड, थर्ड पॉइंट क्या लिखा है मैंने, डिस्टेंसेज मेजर्ड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे
एंड अलॉन्ग प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव. तो पोल ये है, इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, तो पोल से इंसिडेंट रे का अपोजिट कब चलोगी, जब मिरर के सामने डिस्टेंस मेजर कर रहे होगे. पोल से आपने इस पॉइंट के डिस्टेंस को मेजर करना है, तो पोल से अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे चलोगे, ठीक है, तो इंसिडेंट रे के अपोजिट जाओगे, ठीक है, तो मिरर के फ्रंट पे जो भी डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी. तो फ्रंट पॉइंट ऑफ द मिरर, मिरर के फ्रंट पे कोई पॉइंट है उसकी डिस्टेंस जब भी लोगे तो इंसिडेंट रे का अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होगे, वो डिस्टेंस नेगेटिव ली जाएगी. और बिहाइंड द मिरर जब भी आप हैं तो आप कहाँ चल रहे होंगे, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे चल रहे होंगे, तो वो डिस्टेंस क्या होगी, पॉजिटिव होगी. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है डिस्टेंसेज मेजर्ड अबव एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस. अबव एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये हाइट, हाइट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होगी, पॉजिटिव, ठीक है. आप प्रिंसिपल एक्सिस के अबव एंड परपेंडिकुलर, ये हाइट क्या होगी, पॉजिटिव. एंड डिस्टेंसेज मेजर्ड बिलो एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, उसको आप क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है. तो डिस्टेंसेज मेजर्ड अबव एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव, व्हाइल बिलो एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव. ठीक है बच्चों, मिटा रहा हूं मैं इसको. अब इस साइन कन्वेंशन पे अगर हम आ जाएं, अगर हमारे पास मान लो ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है, ये इसका पोल है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये इसका फोकस है, ठीक है. तो इंसिडेंट रे कैसे आएगी, मिरर के सामने से आएगी ऐसे, ये आपकी इंसिडेंट रे है, क्लियर. तो जब ये इंसिडेंट रे है, यहां से रे आएगी, टकरा के ऐसे वापस जा रही होगी, ऐसे आ रही है इंसिडेंट रे. तो पोल से अगर आपने मिरर के सामने डिस्टेंस मेजर करनी है, पोल से अगर यहां इधर को जो डिस्टेंस लेंगे वो क्या होगी आपकी, पॉजिटिव. आप कहां जा रहे हैं, सॉरी नेगेटिव. आप कहां जा रहे हैं, इंसिडेंट रे के अपोजिट जा रहे हैं. और बिहाइंड द मिरर जो डिस्टेंस मेजर कर रहे होंगे वो क्या होगी आपकी, पॉजिटिव, ठीक है. जब आप पोल से बिहाइंड द मिरर चलेंगे तो कहां चलेंगे, अलोंग इंसिडेंट रे चलेंगे. तो जब भी इंसिडेंट रे के डायरेक्शन मूव करेंगे तो डिस्टेंस पॉजिटिव होगी, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो डिस्टेंस नेगेटिव ली जाएगी. यही सेम कन्वेंशन लेंस के लिए भी यूज होता है. और अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, अबव एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, एंड बिलो एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव. तो मैंने क्या बताया था, ध्यान दें, अगर इमेज बनी आपकी इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यहाँ पर अगर इमेज बनी आपकी यहाँ इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो कौन सी इमेज बनेगी, रियल इमेज बनेगी. तो ये जो जगह है, ये जो रीजन है, वो कौन सा रीजन है, रियल इमेज वाली जगह है. मिरर के फ्रंट पे रियल इमेज बनेगी, रियल इमेज यहां बनेगी, यहां मतलब मिरर के फ्रंट पे, याद रखें. यहां हम कहां हैं, मिरर के फ्रंट पे हैं. और वर्चुअल इमेज यहां बनेगी मिरर के केस में, वर्चुअल इमेज यहां बनेगी, ठीक है. ऑब्जेक्ट कहां होगा हमारा, फ्रंट ऑफ द मिरर. ऑब्जेक्ट कहां होगा, फ्रंट ऑफ द मिरर. तो ये ऑब्जेक्ट पोजीशन, ऑब्जेक्ट यहां होगा मिरर के फ्रंट पे. जब ऑब्जेक्ट मिरर के फ्रंट पे होगा तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी, मिरर के सामने ना जाओगे, मिरर के पीछे जाके शीशा दूरी देखते हो. आपने मिरर को देखना है तो मिरर के फ्रंट पे ना होते हैं हम लोग, तो ऑब्जेक्ट कहां होगा, फ्रंट ऑफ द मिरर. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जब भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रंट ऑफ द मिरर ऑब्जेक्ट है, पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर करोगे यू, क्या होगी, नेगेटिव ऑलवेज. 10th क्लास में ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है. 12th में पहुंच के ये पॉजिटिव भी हो जाती है, 12th में पहुंच के ये पॉजिटिव भी हो जाती है. ऑब्जेक्ट पीछे भी चला जाता है, कैसे जाता है वो बहुत डिटेल डिस्कशन है, वो आपके लिए नहीं है. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी ऑलवेज, ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, इन फ्रंट ऑफ द मिरर. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी ऑलवेज, नेगेटिव, ठीक है. अगर मैं इमेज डिस्टेंस की बात करूँ, इमेज हमारी दो टाइप की होगी, एक कौन सी, रियल इमेज,
और दूसरी कौन सी होगी? वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज कहाँ बनेगी? फ्रंट ऑफ द मिरर। तो रियल इमेज के लिए वी जो होगा वो क्या होगा? नेगेटिव। रियल इमेज के लिए आपने मिरर फार्मूला लगाएंगे, मिरर फार्मूला अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में, आप मिरर फार्मूला लगाएंगे, मिरर फार्मूले से आपने वी कैलकुलेट किया, वी आपका आया -20 सेंटीमीटर। तो -20 सेंटीमीटर में 20 सेंटीमीटर ये बता रहा आपको कि इमेज मिरर से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस, मिरर के पोल से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में फॉर्म हो रही है। माइनस साइन ये बता रहा है कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है, और इन फ्रंट ऑफ द मिरर जो है वो कौन सी इमेज होती है? रियल इमेज होती है। तो आपका जो V अगर नेगेटिव आया, अगर आपका V -20 सेंटीमीटर आया, तो माइनस साइन ये बता रहा है इमेज रियल है और कितने डिस्टेंस में बन रही है? 20 सेंटीमीटर बन रही है इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो V का नेगेटिव साइन जो है इमेज के नेचर को बताएगा, ठीक है, नेचर ऑफ द इमेज बनाएगा, बताएगा रियल इमेज। और वर्चुअल इमेज की अगर हम बात करें, वर्चुअल इमेज में, वर्चुअल इमेज कहाँ बनेगी? बिहाइंड द मिरर बनेगी, ये जगह वर्चुअल इमेज यहाँ बनेगी, लिख रखा मैंने बिहाइंड द मिरर वर्चुअल इमेज बनेगी। तो जब वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगी तो वी क्या होगा? पॉजिटिव, ठीक है। प्लस 20 सेंटीमीटर का मतलब ये है कि इमेज 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है, बिहाइंड द मिरर कौन सी इमेज होती है? वर्चुअल होती है। मींस वी का नेगेटिव साइन आपको बता रहा है नेचर ऑफ इमेज, नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन नेचर ऑफ इमेज बना रहा है, बता रहा है नेगेटिव साइन मींस रियल इमेज, पॉजिटिव साइन मीन्स वर्चुअल इमेज। क्लियर। एक बात और मैंने बताई थी फर्स्ट लेक्चर में, क्या बताया था मैंने? तो रियल इमेज जब भी होगी तो वो कैसी होगी? इन्वर्टेड। अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये उसकी इमेज है, तो इसका मतलब ये कौन सी, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, इसका मतलब ये कैसी इमेज है? रियल, ठीक है। और अगर ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है तो ये कैसी इमेज है? वर्चुअल। तो रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, और जब इन्वर्टेड इमेज होगी तो हाइट ऑफ इमेज लोगे, मैग्नीफिकेशन जिसको हम अभी देखेंगे, मैग्नीफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आगे देखेंगे मैग्नीफिकेशन बुक, मैग्नीफिकेशन को हम अभी पढ़ेंगे, वहाँ समझेंगे मैग्नीफिकेशन हमें क्या बता रहा होता है, ठीक है। अभी इतना समझे, मैग्नीफिकेशन से भी इमेज का नेचर पता लगता है, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगी यहाँ, क्योंकि रियल इमेज इन्वर्टेड है, तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगा का साइन क्या होगा? नेगेटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का साइन क्या होगा? पॉजिटिव। और नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होगा? नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होगा? ऊपर नेगेटिव नंबर है, नीचे पॉजिटिव नंबर है, तो क्या आता है बोलो? अल्टीमेटली कौन सा साइन आता है? नेगेटिव साइन आता है, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन जो है रियल इमेज का क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये दो बातें आपको इमेज के नेचर को बताएंगे, आपसे नेचर ऑफ इमेज फाइंड करने के लिए कहेगा। तो नेचर ऑफ इमेज आपको दो चीज़ों से पता लगेगा, एक वी के साइन से, दूसरे एम के साइन से, मैग्नीफिकेशन से। मैग्नीफिकेशन भी नेगेटिव, वी भी नेगेटिव। क्लियर। नाउ वर्चुअल इमेज में, वर्चुअल इमेज क्या होगी? इरेक्ट। इरेक्ट मींस हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, और हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, और पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव नंबर अपॉन पॉजिटिव नंबर क्या मिलता है आपको? पॉजिटिव मिलता है। तो मैग्नीफिकेशन जो होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो वर्चुअल इमेज का मैग्नीफिकेशन क्या है? पॉजिटिव है। मैग्नीफिकेशन क्या है? पॉजिटिव है। मींस अगर आपके पास मैग्नीफिकेशन दो वैल्यू है मैग्नीफिकेशन की, +2 और मिरर के लिए -2। +2 का मतलब ये है, +2 का मतलब है हाइट ऑफ इमेजेस। अगर मैं यहाँ टू रख दूँ ये फॉर्मूला है, तो इसका मतलब 2 = HI/HO। दिस मीन्स HI = 2 times of HO। यही ना मतलब होगा अगर मैंने यहाँ 2 रख दिया तो, ठीक है। इसका मतलब यह है कि इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट का 2 गुना है, 2 times है। मैग्नीफिकेशन डबल होने का मतलब ये होता है कि इमेज मैग्नीफाइड बन रही है। डबल का मतलब है ऑब्जेक्ट की हाइट के 2 गुना हाइट की बन रही है। ऑब्जेक्ट अगर 5 सेंटीमीटर का है तो उसका 2 गुना करो, इमेज 10 सेंटीमीटर, इमेज की हाइट 10 सेंटीमीटर है। क्लियर। +2 + साइन ये बता रहा है कि इमेज इरेक्ट है, मींस वर्चुअल है। माइनस साइन ये बता रहा है कि इमेज
इन्वर्टेड है मीन्स रियल है। यहाँ भी डबल इमेज है, यहाँ भी डबल इमेज है, ऊपर वर्चुअल इमेज है, नीचे वाले केस में रियल इमेज है। ठीक है, ठीक है। अगर हमारे पास कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर का फोकस कहाँ आया था, जल्दी याद करो। कॉनकेव मिरर का फोकस आया था इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ये फोकस है कॉनकेव मिरर का, देख रहे हैं आप। तो पोल से फोकस तक चलेंगे तो कहाँ चलेंगे, इंसिडेंट रे के अपोजिट। तो फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की क्या होगी, नेगेटिव, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर भी, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, तो पी से सी तक की डिस्टेंस आर होती है, आर भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये साइन फिक्स्ड है, ये साइन फिक्स्ड है, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। तब्दीली होगी आपकी इमेज और मैग्नीफिकेशन के साइन में। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर के लिए एफ हमेशा नेगेटिव लेना है, आर हमेशा नेगेटिव लेना है। अगर आपने कॉनकेव मिरर के लिए एफ को प्लस रख दिया, पॉजिटिव साइन के साथ रख दिया, फोकल लेंथ आपको दी कॉनकेव मिरर के 20 सेंटीमीटर, तो आप वहाँ माइनस 20 सेंटीमीटर रख रहे होंगे फॉर्मूले में। अगर आपने प्लस 20 सेंटीमीटर रख दिया तो फिर आपका न्यूमेरिकल सही होने वाला नहीं है। ठीक है, ऐसे ही रेडियस ऑफ कर्वेचर को भी आप क्या रख रहे होंगे, नेगेटिव। और कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की अगर हम बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए एफ क्या होगा आपका, क्योंकि बिहाइंड द मिरर बना था फोकस। ठीक है, बिहाइंड द कॉन्वेक्स मिरर का फोकस कहाँ होता है, बिहाइंड द मिरर। तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहाँ होता है, वो भी बिहाइंड द मिरर। तो फोकल लेंथ भी पॉजिटिव और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव ऑलवेज, ये दोनों साइन फिक्स हैं। तो कॉन्वेक्स का एफ और एफ और आर पॉजिटिव, कॉनकेव का एफ एंड आर नेगेटिव। ठीक है बच्चों, इतनी बात आप याद कर लें, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम क्या देखने जा रहे हैं, सबसे हम देखने जा रहे हैं मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होता है बच्चों, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ को कनेक्टिंग जो फार्मूला होता है वो फार्मूला मिरर फार्मूला कहलाता है। और जो मिरर फार्मूला है आपका वो है 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। इसके प्रूफ को हम देखेंगे बाद में, पहले इसको हम इसके न्यूमेरिकल को, इससे न्यूमेरिकल करना सीख लें। प्रूफ हम बाद में देख रहे होंगे मिरर फार्मूले का प्रूफ। ठीक है, 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। वी इमेज डिस्टेंस है, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, एफ फोकल लेंथ है। इन तीन में से कोई दो वैल्यूज आपको गिवेन होंगी, फोकल लेंथ गिवेन होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवेन होगी, इमेज डिस्टेंस निकालनी होगी, या इमेज डिस्टेंस गिवेन होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवेन होगी, फोकल लेंथ निकालनी होगी, कोई भी दो गिवेन होगा, तीसरा अननोन निकालना होगा। ठीक है, और फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में जो रिलेशन होता है, फोकल लेंथ जो है मिरर की, फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है। अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है तो उसका हाफ कर देंगे तो आपको फोकल लेंथ मिल जाएगी। मैग्नीफिकेशन अगर हम देखें, लीनियर मैग्नीफिकेशन या ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन भी कहते हैं, मैग्नीफिकेशन जो है यहाँ पर ये होता है एम इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज एच आई अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ। ठीक है, यानी एम इज इक्वल टू होता है आपका एच आई अपॉन एच ओ, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। ठीक है, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू। ये हाइट ऑफ इमेज का फार्मूला है, मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है। ये माइनस बी अपॉन यू के इक्वल कैसे है, जब हम मिरर फार्मूले का प्रूफ देख रहे होंगे वहीं पर देखेंगे कि ये एच आई अपॉन एच ओ माइनस बी अपॉन यू के भी इक्वल होता है। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये आपको एनसीईआरटी में गिवन है फार्मूला। इसी फॉर्मूले को अगर मैं एक्सटेंड कर दूं तो माइनस बी अपॉन यू आपका, माइनस बी अपॉन यू आपका एफ माइनस एफ अपॉन एफ माइनस यू इसके इक्वल होता है, और एफ माइनस बी अपॉन एफ के भी इक्वल होता है। ठीक है, माइनस ऑफ बी अपॉन यू किसके इक्वल होता है, एफ अपॉन एफ माइनस यू या एफ माइनस
वी अपॉन एफ। कैसे होता है कि अगर आपको ये देखना है, आपसे आपसे पूछ ले अगर कि ये इसके इक्वल है, माइनस वी अपॉन यू इज इक्वल टू, शो करिए, शो दैट माइनस वी अपॉन यू इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू। तो आपने यहाँ से इस मिरर फार्मूले का यूज़ करना है। इसको सबसे पहले मैं दिखा रहा हूँ, इसको मैं दिखा दूँ, वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ। ठीक है, क्या चाहिए मुझे, वी अपॉन यू चाहिए। तो इसको सब इस पूरे को u से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो, u से। तो u से मल्टीप्लाई करा इस पूरी इक्वेशन को u से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप u से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, u अपॉन v, ये क्या हो जाएगा 1, u अपॉन u 1, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, u अपॉन f। ठीक है, इस 1 को उधर ले जाओ तो कितना हो गया, u अपॉन v इज इक्वल टू u अपॉन f। इस वन को उधर मत लेके जाओ, इसको इधर ले आओ और इसको उधर ले जाओ, यानी मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस यू अपॉन वी इज इक्वल टू वन माइनस यू अपॉन एफ, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं इधर ले आया, नेगेटिव हो गया, इसको उधर ले गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो वन माइनस यू अपॉन एफ इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू माइनस यू अपॉन वी। एलसीएम ले लो, माइनस यू अपॉन वी इज इक्वल टू एफ माइनस यू अपॉन एफ। आपको क्या चाहिए, वी अपॉन यू चाहिए, तो वी अपॉन यू करोगे, रेसिप्रोकल करो इसका, तो माइनस वी अपॉन यू जो है आपका किसके इक्वल आ गया, एफ अपॉन एफ माइनस यू के। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर इसे प्रूफ करना है आपने, वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ है आपका मिरर फार्मूला। इस पूरी इक्वेशन को v से मल्टीप्लाई कर दो, जब v से मल्टीप्लाई करोगे तो v अपॉन v कितना हो गया, 1 प्लस v अपॉन u इज इक्वल टू v अपॉन f। ठीक है, इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, तो कितना हो गया, माइनस v अपॉन u इज इक्वल टू 1 माइनस v अपॉन f। ठीक है, तो माइनस v अपॉन u जो है वो कितना आ गया आपका, f माइनस वी अपॉन एफ। मैंने यही तो लिखा है कि माइनस वी अपॉन यू एफ माइनस वी अपॉन एफ एंड माइनस वी अपॉन यू एफ अपॉन एफ माइनस यू। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले को हम अपनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को करने के लिए, जो बड़ी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होती है, इन दो फॉर्मूले से एक सिंगल स्टेप में हो जाती हैं, उस प्रॉब्लम को करने के लिए हम डायरेक्टली हम इस मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले को अपना एक्सटेंड कर सकते हैं। क्या हो गया एक्सटेंशन, कि मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू इज इक्वल टू एफ माइनस वी अपॉन एफ इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू। आज के लिए इतना ही, ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में ये सब फॉर्मूले आपको याद करके रखने हैं, सारा कॉन्सेप्ट रिटेन करके रखना है। नेक्स्ट लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ इसके न्यूमेरिकल को हम डील कर रहे होंगे, इसके न्यूमेरिकल आना बहुत ज़रूरी है, न्यूमेरिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, ओलंपियाड में भी, आगे एंट्रेंसेस में भी, कोई एंट्रेंस आप दे रहे होंगे 10 बेस, ज़रूर पूछता है यहाँ से न्यूमेरिकल। ठीक है, और बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बच्चों, ओके देन, टाटा बाय बाय, अगली क्लास में मिलते हैं।